नमस्कार दोस्तों, फोर्टडा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त विनोद, और जैसा कि संवाद जमशेदपुर में हम हैं और हमारे साथ एक साथी है जो कि महाराष्ट्र से है, उनसे बातचीत करेंगे, परिचय जानेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ में उनके काम के बारे में। नमस्ते। नमस्ते जोहार। आपका सब नाम? जी, मेरा नाम वर्षा लक्ष्मी भरतराज से है, मैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से हूँ। वर्षा जी, जैसा कि आप महाराष्ट्र से हैं और भील समुदाय से हैं, तो वहाँ के भील कैसे होते हैं, क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या होता है, उनका मतलब हमारे यहाँ के जो हमारे ट्राइब के लोग हैं वो मोस्ट ऑफ तो खेला करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो खेती कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, माइग्रेशन 2-3 साल से ज़्यादा ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब 2-3 साल नहीं बोल सकते, 5-6 सालों से माइग्रेशन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि अब खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। जो यूथ है वो तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब पुराने दादा दादी लोग थे वो इंटरेस्ट थे, लेकिन आजकल जो यूथ थे वो एग्रीकल्चर में जाना ही नहीं चाहता, तो ये प्रॉब्लम है हमारे। एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि मैंने आपको ऑफलाइन बातचीत के दौरान सुना था कि आप आदिवासी को जगाने के लिए और खासतौर पर लड़कियों में वो आए इसके लिए प्रयास करने वाले हैं, तो आप में सोच क्यों जगी, कैसे जगी और वो क्या करने वाले हैं? एक्चुअली मैं जूडो मास्टर ट्रेनिंग हूँ, मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती हूँ लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि आज ज़रूरत है। और मेरे मतलब मैं लड़कियों के साथ हमेशा काम करती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि अगर एक लड़की चाहे तो वो दूसरों की सोच बदल सकती है, और एक लड़की वो दुआ होता है, एक मतलब दो घरों को जोड़ने वाला दुआ, एक ससुराल और दूसरा मायका। अगर एक लड़की ने डिसाइड कर लिया कि वो कुछ करना चाहती है अगर मन में, तो वो अपने ससुराल को और अपने मायके वालों को कन्विंस कर सकती है, और प्लस वो अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि एक बच्चे को जो संस्कार देने का काम होता है लड़कियाँ करती, माँ करती है, तो अगर लड़कियों ने जान लिया कि आदिवासी क्या है तो वो बहुत मतलब सकती है, एक जागरूकता निर्माण कर सकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी आपको बहुत सारे आदिवासी यूथ और बहुत सारे युवा सुन रहे हैं, तो उन सभी को आप हमारे चैनल के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी युवाओं को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आदिवासी ये बताते नहीं, उनको शर्म आती है कि हम आदिवासी हैं ये बताने में, लेकिन मुझे लगता है कि आदिवासी मतलब जो इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का जो पहला रहवासी था वो आदिवासी है, तो हमको प्राउड फील होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, इस पूरी दुनिया के जो पहले वासी थे वो आदिवासी हैं, तो हमें प्राउड फील होना चाहिए, हमें अपना कल्चर सबको दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते इतनी पुरानी मतलब हमारी परंपरा है, तो उसका जतन करना चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे साथ है वर्षा जो कि महाराष्ट्र से है, इनके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हम और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे, तो आप इसी तरह बने रहिए आपके अपने दोस्त विनोद के साथ। नमस्कार।